हेलो एंड वेलकम टू द स्टूडियो ट्रेडर्स। आज हम टाटा केमिकल्स को ट्रेड कर रहे हैं और टाटा केमिकल्स में एक शॉर्ट साइड की तरफ अपनी एंट्री बनाई है। कल भी जो ट्रेड हमने किया था एक बहुत अच्छा ट्रेड एनालिसिस था वो। कल ट्रेड खत्म करने के बाद में शाम को जब हम उस ट्रेड को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, चार्ट्स को रीड कर रहे थे, तो बहुत अच्छे लेवल पर वो स्टॉक हमको मिला था। यही रीज़न था कि कल का स्टॉक एक बहुत अच्छा मूवमेंट उसने हमको दिखाया, एक अच्छा आरआर रेशियो हमको दिया। ऐसे तो काफ़ी बार हम लोग 1:3, 4, 5 तक पहुँचे हैं, बट कल का जो ट्रेड था वो बहुत सेटिस्फाइड ट्रेड था। उस तरह के ट्रेड्स को हम अक्सर ढूंढते हैं कि हमें वैसा ट्रेड मिला और हम उस तरह का ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएँ। ओके, बट एक चीज़ की कमी है कि जो भी मेहनत हम करते हैं आपके लिए, जो भी हम आपको समझाते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाते इन द सेंस कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस अगर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, तो उसके अवेज़ में हम आपसे क्या कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ आप वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट्स करें। बट हम देखते हैं कि आप आते हो, देखते हो, बट कोई लाइक कमेंट्स नहीं करते। तो कोशिश कीजिए, अगर अच्छा लगता है आपको तो आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, कमेंट कीजिए एंड आगे अपनी आज के एनालिसिस हम लोग शुरू करते हैं। टाटा केमिकल्स को हमने ट्रीट किया, बहुत बार हम बता चुके हैं, काफ़ी बार बताया है कि रीजंस क्या होते हैं ट्रेड्स में एक बड़ा मूव कैच करने का, अगर आपको बिल्कुल हाई पर मिल रहा है या फिर बिल्कुल लो पर मिल रहा है। अगर ज़्यादा महंगा हो गया स्टॉक तो हम क्या करेंगे कि ज़्यादा महंगा स्टॉक हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि क्या हो सकता है वहां से स्टॉक गिर सकता है और हम उसको खरीदेंगे एक्चुअली वो बहुत महंगा है। अब हाई स्लो साइड में जाने की चांस है। इससे पहले हम लोग हाई पर हमें हमेशा स्टॉक को देखना होगा, अपनी पोजीशन बुक में देखिए टोटल जो क्वांटिटी। आज हमारी एग्जीक्यूट हुई है 563, 563 क्वांटिटीज हमारी एग्जीक्यूट हुई है 951.45 के पास में, 3602 रुपये का प्रॉफिट जिसका हमारा चल रहा है। और मॉर्निंग में एक ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था महिंद्रा एंड महिंद्रा का, जिसमें हम 966 रुपये का प्रॉफिट लेकर के चुपचाप निकल गए थे। कुछ सेंटिमेंट्स हमें इसके अंदर सही नहीं लगे थे। और M&M क्योंकि देखिए गिरा है, M&M हमने आप लोगों को भी दिया था ट्रेड करने के लिए, बट इस रेंज के पास में, यहाँ पर देखिए इस रेंज के पास में जब प्राइस डाउन साइड की तरफ आया था, यहाँ पर हमने क्या किया था कि जैसे ही प्राइस अपने स्विंग लो के नीचे आया, हमने इसके अंदर अपनी एक शॉर्ट एंट्री बना दी। बट जिस पॉइंट से इसने रिजेक्शन दिखाया है ना, ये इमीडिएट रिजेक्शन था। उम्मीद है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी आज पूरी तरह से साइडवेजनेस हमको दिखा सकता है। चांस है देखिए कि प्राइस हमको पूरी तरह से साइडवेजनेस दिखा देगा, और अगर गिरेगा तो ये रेंज हमने ऑलरेडी आपको मार्क करके भेजी, आप इसको देखेंगे शायद या फिर अभी देखेंगे, तो ये स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा, अगर ये चलता तो काफ़ी ज़्यादा मूव इसके अंदर आपको नज़र आएगा। हमने इस स्टॉक के अंदर ट्रेड लिया था, पूरी क्वांटिटीज़ के साथ हमने ट्रेड लिया था, बट सही नहीं लगा ट्रेड, हमने उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर बुक में बाहर निकल गए। फिर सेकंड टाटा केमिकल्स के अंदर हमने टोटल जो क्वांटिटीज़ हमने टाटा मारी है, यहाँ पर आप देख महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओके ये देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में क्या हुआ था, 800 क्वांटिटीज हमने लगाई थी जिसमें से हमको सिर्फ 358 क्वांटिटीज का ऑर्डर मिला था। एक ये भी रीज़न था अपने ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ करने का, क्योंकि हमको पूरी क्वांटिटीज नहीं मिली, हमने स्क्वायर ऑफ किया, प्लस प्राइस एक्शंस भी कुछ इस तरह के बन रहे थे कि हमें छोड़ देना पड़ा वो ट्रेड। टाटा केमिकल्स में देखिए हमने 800 क्वांटिटीज का ऑर्डर मारा था और यहाँ पर जो टोटल क्वांटिटीज हमारी एग्जीक्यूट हुई वो 563 क्वांटिटीज हमारी एग्जीक्यूट हुई। बाद में जितनी भी क्वांटिटीज हमारी बची उसका ऑर्डर हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। ये स्टॉप लॉस ऑर्डर है अपना 563 क्वांटिटीज का, 953.95 पर हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, एंट्री 951.45 पर है। इस वक्त का जो अपना पोजिशन बुक में प्रॉफिट चल रहा है 3236 रुपये के आसपास उसका हमारा प्रॉफिट रनिंग है इसके अंदर, और ऑलरेडी जो भी ट्रेड्स हमारे चल चुके हैं वो आपके सामने हैं। अब हम चलते हैं सीधे टाटा केमिकल्स के चार्ट के ऊपर। टाटा केमिकल को हम हायर टाइम फ्रेम पर देखेंगे और अगेन लोअर टाइम फ्रेम पर हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए टाटा केमिकल को आप डेली टाइम फ्रेम पर देखिए, क्या दिखेगा ना कि ये जो रिजेक्शन बना है हमारा, ये वाली कैंडल 25th of October की कैंडल, इसने एक सपोर्ट डिफाइन किया और सपोर्ट के बाद में प्राइस सीधे अपसाइड में चला गया, और अगेन एक हाई लगा देने के बाद में स्टॉक जो हमारा खुला है तो सीधे डाउन साइड की तरफ इसके मूवमेंट्स आ गए। और जिस रेंज से प्राइस ने अपना एक सपोर्ट फॉर्म किया था, इस वाली कैंडल से सपोर्ट फॉर्म किया, सो इस सपोर्ट से प्राइस ने देखिए कितनी बार रिजेक्शन लिया है, यहाँ से भी गिरा है, यहाँ से भी गिरा है, और आज भी जो स्टॉक हमको मिला वो इसी रेंज से मिला है। चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि डाउन साइड के मूव्स हमें देखने को मिल जाए। जितने ऑर्डर्स हमने लगाए थे जितनी क्वांटिटीज़ के, उतने ऑर्डर्स हमको नहीं मिले। रीज़न ये था कि मूवमेंट्स काफ़ी हार्ड हैं, काफ़ी तेज़ मूव। हायर टाइम फ्रेम पर सिर्फ एक चीज़ ही देखने की है कि ये हमारा एक सपोर्ट पॉइंट है, यहाँ से प्राइस अपसाइड की तरफ गया था, सपोर्ट्स हमारे डाउन साइड की तरफ ब्रेक हुए हैं। बहुत सिंपल है, देखिए सपोर्ट्स डाउन साइड की तरफ ब्रेक हुए हैं
और ये अपनी जो रेंज है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इसी पॉइंट से हमारा स्टॉक देखिए इतनी बार नीचे की दिशा में गिरा है, आज भी प्राइस उसी रेंज पर है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि डाउनसाइड की तरफ मूव हमको दिखा सकता है। टारगेट्स जो हमने इसके अंदर अपने लगा रखे हैं वो 931.45 रुपीज़ के हमारे टारगेट्स हैं। देखिए लोअर टाइम फ्रेम पर ओके, इतना बड़ा मूवमेंट आकर के चला गया है। वाह, ये देखिए एक सडन मूवमेंट है, ये काफ़ी बड़ा मूवमेंट था, हम लोगों ने मिस कर दिया। सो ट्रेडर्स काफ़ी बड़ा मूवमेंट है और हमको लगभग लगभग हमारा टारगेट अचीव हो गया था, बट यहाँ से रिजेक्शन आ गया है। कोई बात नहीं, ये देख करके बहुत खुशी होती है और कॉन्फिडेंस भी आता है कि जिस दिशा में हमारी एनालिसिस है और जैसी एनालिसिस हमारी है मार्केट भी जब उसको सही साबित करती है। हमने जिस तरह से देखा था प्राइस में कि जहाँ पर अपने स्टॉप लॉसेस लगे, जो एंट्री, अब क्योंकि एंट्री पॉइंट यहाँ पर था तो जब हम लोग एंट्री लगा रहे तो प्राइस के मूवमेंट्स ज़्यादा थे, क्वांटिटीज़ पूरी नहीं मिल पाई और उसके बाद देखिए सीधे डायरेक्ट प्राइस डाउन साइड की तरफ हमको हमारा पूरा टारगेट दिया। ये बात दूसरी है कि हमने मिस कर दिया, बहुत बड़ा मूवमेंट था ये, 1% या फिर 1.50% के लिए हमको पूरे दिन वेट करना पड़ता है। कोई बात नहीं, इस वक्त का जो हमारा प्रॉफिट है 4,800 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट हमारा चल रहा है और हायर टाइम फ्रेम पर हमने आपको प्राइस को बता ही दिया है। लोअर टाइम फ्रेम पर जो हमारी एंट्रीज हैं वो 951.45 की एंट्रीज हैं। स्टॉप लॉसेस जो हमने इसके अंदर लगाए हैं जस्ट अपने स्विंग हाईज पर अपने सभी स्टॉप लॉसेस लगा दिए हैं, 953.95 के स्टॉप लॉसेस हैं। ओके, सो अब इससे बड़ा तो मूवमेंट आएगा नहीं, तो ये कहना बेकार है कि कोई बड़ा मूवमेंट आएगा तो इन्फॉर्म करेंगे। तो चलिए प्राइस अगेन अगर ये डाउन साइड की तरफ आता है, क्योंकि ये बड़ी सी पिन वार बनी है, प्राइस को अगर अप साइड की तरफ नहीं जाना है तो ये यहीं से मे भी हो सकता है कि पूरे दिन साइडवेज रह जाए, इस तरह से करता रहे। अब इससे उम्मीद कम है कि इतना बड़ा मूवमेंट वापस से जल्दी ही हमको मिलेगा, ये हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई हम एक्शन लेते हैं इसके अंदर तो आपको इन्फॉर्म करते हैं। काफ़ी बड़ा मूवमेंट था मेंबर्स, मॉर्निंग में 11:10 पर ये कैंडल हमारी फॉर्म हुई थी, उसके बाद में हमने आपसे कहा था कि हो सकता है ये स्टॉक साइडवेज रह जाए, पूरी तरह से उम्मीद थी, चांसेस यही थे कि ये स्टॉक साइडवेज रह सकता है, क्योंकि दो बज चुके हैं और मार्केट क्लोज हो जाने में अब सिर्फ 1 घंटे का ही समय अपने पास शेष रह गया था। यहाँ से मार्केट पूरी तरह से हमको साइडवेज लग रही थी और वो साइडवेज हुई भी, देखिए पूरी मार्केट यहाँ से साइडवेज रही। अगेन यहाँ पर अचानक से एक स्पाइक आई वॉल्यूम्स के साथ और प्राइस अभी हमारा डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा है। एक्चुअली मॉर्निंग में ये कैंडल जब हम लोग एनालाइज कर रहे थे 11:15 के आसपास, सो इतनी बड़ी स्पाइक आ जाने के बाद में लग ये रहा था कि हो सकता है, क्योंकि ये पिन बार है, रिवर्सल्स के साइन होते हैं, अगर इसके ऊपर प्राइस गया तो मे बी चांस है कि प्राइस अपसाइड की तरफ टर्न हो जाए और डाउन साइड की तरफ मूव नहीं आ रहा तो ये स्टॉक साइडवेज रह सकता है। बहुत सारे डाउट्स थे, अब क्योंकि हम इसके अंदर एंट्री ले चुके हैं, प्राइस अगर अप साइड की तरफ नहीं जा रहा है तो ये डाउन साइड की तरफ भी नहीं गया, साइडवेज था। अब अगर इसको अप साइड की तरफ जाना है तो यहीं से अप साइड की तरफ चले जाना चाहिए था, बट प्राइस अप साइड की तरफ भी जाने को तैयार नहीं था, यही एक रीज़न था कि इसके अंदर हम वेट कर रहे थे पूरी तरह से, और जो हमारा इंतज़ार था और जो पेशेंस था अब ये उसका रिजल्ट है कि यहाँ पर हमको हमारे पेशेंस का रिजल्ट मिला, हमको हमारे इंतज़ार का रिजल्ट मिला। यहाँ पर हमेशा एक बात याद रखने वाली होती है कि प्राइस जब जब आपका एक रेंज के अंदर ट्रेवल करेगा, उस रेंज से बाहर जब भी प्राइस आपका निकलेगा तो एक बड़ा मूव मिलता है आपको। क्लास में हम अपने एक छोटा सा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए सभी मेंबर्स को देते हैं, जिसमें टास्क ये होता है कि पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम हम बताते हैं, उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमको एक साफ सुथरा मूव चाहिए जहां पर स्टॉक के मूवमेंट्स सिंपली इस तरह के हों, बिल्कुल ऐसे नहीं कि प्राइस अप साइड की तरफ गया और विक बना करके अंदर आकर के ट्रैवल कर रहा है, नहीं, इस तरह के मूव्स नहीं, बिल्कुल साफ सुथरे मूव्स चाहिए होते हैं, ऐसे मूवमेंट्स को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ये लिबर्टी दी जाती है कि आप निफ्टी 50 से बाहर के भी स्टॉक्स को ढूंढ करके लाइए और देखिए कि कहाँ पर आपके अकॉर्डिंग एक अच्छा फॉर्मेशन बन रही है, एक अच्छा रेंज प्राइस आपको बना करके दे रहा है, एक ठीक ठाक रेंज बना करके देगा। तो जैसे ही वो रेंज का ब्रेकआउट अप साइड की तरफ या फिर डाउन साइड की तरफ होता है, मूव्स अच्छे मिलते हैं अगर उस वक्त मार्केट ने आपको सपोर्ट किया। एंड अभी हमें वेट करना होगा प्राइस के वापस से अपने इस रेंज पर आने का, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल है, हमने एक चांस मिस किया। देखिए ओके, ये होता है वॉल्यूम, देखिए किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है, बिकॉज ये एक सपोर्ट पॉइंट है, ये जो टारगेट हमने अपने टारगेट लेवल जिस तरह से डिसाइड किए थे ये प्रूफ करता है, क्योंकि जो वॉल्यूम्स है ना वो ऐसे ही कहीं पर भी नहीं आ जाएगी, ज़रूर वहाँ पर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लेवल होगा, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पॉइंट होगा,
प्राइस जैसे ही 931.45 जहाँ पर हम लोगों ने देर की, हमें प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए थे। वॉल्यूम्स उसी जगह पर बढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। अभी यहाँ पर हमें अपने टारगेट्स बुक करने हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट लेवल है, बहुत तगड़ा सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर भी देखिए बायर्स एक्टिव हुए थे, प्राइस को सीधे अपसाइड की तरफ ढकेल दिया गया था। यहाँ पर वापस से देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई है, यहाँ पर भी वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई थी। चांसेस हैं प्राइस वापस उसी रेंज पर चला जाए। ट्रेडर्स, अब हमको यहाँ से निकलना होगा बिकॉज टाइम 3:05 हो चुका है और ये जो रेंजेस आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन, बेसिकली हम इसका यूज़ नहीं करते हैं बट बैठे हैं, खाली समय है तो हमने इनको लगा लिया है। बट मेन चीज़ है कि यहाँ पर हमको प्रॉफिट्स अपने बुक करने चाहिए थे बट प्राइस ने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। वहाँ पर प्राइस आया और आ जाने के बाद में सीधे फ्लिप कर गया अपसाइड की तरफ। इसके बाद उम्मीद थी क्योंकि ये वॉल्यूम्स आई हैं तो प्राइस अगर इसके नीचे जाता है तो अच्छा टारगेट हमको देगा, बट कोई भी एक्सपेक्टेड टारगेट हमको नहीं मिला है और अब मार्केट प्राइस पर ही हमको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। प्राइस ने देखिए अपसाइड का मूव दिखाया है, ऊपर की दिशा में निकला है तो चांसेस हैं कि अपसाइड में प्राइस हमारा चला जाए। सो अब इसको ऊपर जाना या नीचे जाना, अब ये कहीं भी जाए बिकॉज हमारा इंट्राडे का टाइम अब ख़त्म हो चुका है, हम यहाँ से जल्द निकलते हैं। सो ऑर्डर बुक में आप देख सकते हैं अपने टारगेट्स को फिर से हमने रिवाइज़ कर दिया था 931.80 के लिए। पहले 931.45 था शायद, फिर डाउनसाइड की तरफ है, फिर थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया अपसाइड की तरफ 931.80। कोई भी टारगेट हमें नहीं मिला है एंड अब हमें इसको रिवाइज़ करना होगा। ओके, अब हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। ऑर्डर जो हम अपना लगाएंगे, पेस्ट कर दिया 936.95 यहाँ पर, लीजिए सारे ऑर्डर्स निकल गए। ओके, ये क्या हो गया, पोजीशन बुक, कुछ क्वांटिटीज भी बची हुई हैं अपने पास। ऑर्डर्स निकल रहे हैं 280 क्वांटिटीज, 275 क्वांटिटीज, 936.95। टाटा केमिकल के अंदर से हम पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। ओवरऑल जो आज का हमारा प्रॉफिट है 9,130 रुपीज का प्रॉफिट है एंड ऑर्डर बुक में आप देख सकते हैं जितनी भी क्वांटिटीज़ थी हमारी फुली एग्जीक्यूटेड है। बाकी के जितने स्टॉप लॉसेस ऑर्डर थे सारे के सारे कैंसिल हो चुके हैं और मॉर्निंग की भी जितनी भी क्वांटिटीज़ थी सारी कैंसिल या फिर फुली एग्जीक्यूटेड है। तो एक भी ऑर्डर हमारा पेंडिंग में नहीं पड़ा है, सारे के सारे ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं और पोजिशन बुक में ओवरऑल जो हमारा आज का प्रॉफिट है 9,130 रुपीज़ का प्रॉफिट है। चांसेस बहुत सारे हम लोगों ने मिस किए, जैसे कि यहाँ पर एक बार प्राइस आया था, निकलने का मौका नहीं, कोई भी नहीं एग्जिट नहीं हो सकता यहाँ से बिकॉज प्राइस आया है, टच होकर के भाग गया है। वापस देखिए प्राइस उसी रेंज पर आया, टच होकर के अपसाइड की तरफ निकल गया। सो मौका नहीं मिला हमको हमारे प्राइस पर निकल जाने का। सो ओवरऑल यहाँ पर हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है और ओवरऑल जो हमारा आज का प्रॉफिट है 9,000 रुपीज़ का है। सो अपना ये ट्रेड हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और अब हम लोग मिलेंगे कल की ट्रेडिंग सेशन में। कोई अच्छा सा स्टॉक मिलेगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर हम उसको शेयर करेंगे। ओके, सो थैंक यू। और अगर स्टॉक्स देखना है, उसके लेवल्स वगैरह देखने हैं, आप लोगों को फाइंड करने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो, जितना भी हो सकता है सपोर्ट। कभी कभी होता है कि हम ट्रेड तो करें बट अपलोड नहीं कर पाते हैं, वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पाते या यूट्यूब के माध्यम से हम आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाते, तो अपने टेलीग्राम चैनल पर हम ज़रूर उसको रखते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉब्लम है स्टॉक सिलेक्शन को लेकर के, आपके पास प्रॉब्लम है लेवल्स डिफाइन करने में प्रॉब्लम है, तो वो सारा का सारा प्रॉब्लम जितना मुझसे हो सकता है आपको उतनी पर्सनली हम हेल्प कर देते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। ओके, सो थैंक यू, गुड बाय एंड वी विल मीट अगेन।